नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टीरियस हिंदू टीवी पर। आज हम इस वीडियो में पुण्य के महत्व के बारे में जानेंगे। पुण्य तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़े पांच महापुण्य कौन से हैं? अगर आप इन महापुण्य को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भगवान के बहुत ही लाडले और प्रिय व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन हम इन पांच महापुण्य के बारे में जानें उससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो आपको महापुण्य के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देगी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जरूर लिखना जय श्री कृष्णा। और ये कहानी इस प्रकार है। एक राज्य में धर्मानंद नाम का एक राजा था जो बड़ा ही प्रजापालक था। वह हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचता था और अपने कार्यों के लिए वह इतना कर्मठ था कि अपना सारा सुख दुख ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय लोगों के कल्याण में लगा देता था। और वह जन कल्याण के कार्यों में इतना व्यस्त था कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक बार वह राजा सुबह सुबह वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था, तभी राजा ने रास्ते में एक दिव्य पुरुष को देखा। राजा ने उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया तो उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह परमेश्वर का दूत है। उस दिव्य पुरुष के हाथ में एक लंबी चौड़ी पुस्तक थी, जिसे देखकर राजा ने उस दिव्य व्यक्ति से पूछा, भगवान आपके हाथ में यह कौन सी किताब है? तब वह देवता बोले कि यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन भक्ति करने वालों के नाम है। राजा को भी उस किताब में अपना नाम जानने की उत्सुकता हुई तो राजा ने कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। वह दिव्य पुरुष किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देवता को चिंतित होकर देखा और कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें उन्हीं देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा वही खाता आपने अपने हाथों में लिया हुआ है? देवता ने कहा, है राजन, आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग जो निश्चित ही दिन रात भागवत भजन में लीन रहते होंगे। फिर राजा ने पूछा, क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पृष्ठ पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देवता ने कहा, है राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। राजन, तुम लोगों की निस्वार्थ सेवा कर असल में भगवान की ही पूजा करते हो। परोपकार और निस्वार्थ लोग सेवा किसी भी परम भक्ति से बढ़कर हैं, क्योंकि ये निस्वार्थ सेवा तुम्हें उस परमात्मा के बहुत करीब ले आती है। अब हम आपको ऐसे ही पांच महापुण्य के बारे में बताते हैं जो आपको परमात्मा का बहुत करीबी बना सकती है और इन कार्यों के द्वारा प्रभु की दया आप पे हमेशा बनी रहेगी। नंबर एक, किसी भूखे को भोजन कराना। चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर दो, आश्रय देना। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर तीन, वचन पुण्य। यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है
किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, अपने माता पिता के प्रति नम्रता पूर्ण व्यवहार रखना, उनका आदर सत्कार करना, उनकी व बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 5, मन व हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है, अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव के उच्च विचारों के साथ करते हैं। तो मित्रों, आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो प्रस्तुति को एक लाइक अवश्य ही करें, और ऐसी ही मूल्यवान वीडियो के लिए आप हमारे चैनल मिस्टीरियस हिंदू टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।